गुड इवनिंग आप सभी को। होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। अभी तक दो लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोग जुड़ गए हैं, और जिससे आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है और इस पर हम चर्चा करेंगे। सरोज रजनी, गुड इवनिंग आप सभी को। एक बार बता दीजिए आपको साफ दिख रहा है कि नहीं, तब फिर मैं आगे बढ़ूं। सोनी, गुड इवनिंग। स्क्रीन साफ है? ट्विंस त्रिशा मनसा, अच्छा मनसा, गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम आप सभी का। नीलम, गुड इवनिंग। साफ है तो चलते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बीएमआई। बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बीएमआई जल्दी से आंसर करिए। मोस्ट वेलकम आप सभी का, और लोग वो जोड़ दीजिए जल्दी जल्दी, आप लोग शेयर कर दीजिए जिससे इस टॉपिक पे चर्चा हो सके। बीएमआई क्या है? बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल कितना होता है बीएमआई, ये सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल नीलम, सोनी ने आंसर दिया है। रजनी, बॉडी मास इंडेक्स, बिल्कुल सही आंसर है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। और इसमें बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, इसमें आपको बताना है कि ये होता क्या है। थोड़ा सा आपसे थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, दोनों का साथ में चलता जाएगा, कुछ आप बताएंगे और कुछ हम बताएंगे। चलिए, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में अभी तक आप क्या जानते हैं? बॉडी मास इंडेक्स, आंसर करिए, क्या आंसर होगा? देखिए, बीएमआई जो होता है ये हाइट और वेट का कॉम्बिनेशन बताने का काम करता है। हाइट और वेट सही है कि नहीं है, कि डिसबैलेंस है कि क्या है, इस सबको बताने का काम हमारा बीएमआई करता है। और जबकि बीएमआर क्या करता है? देखिए, बीएमआई ये एक इंडेक्स होता है जो कैलकुलेट करता है हाइट और वेट को, ठीक है। हाइट के अनुसार वेट के अनुसार हाइट है और हाइट के अनुसार वेट है, इसको नापने का काम करता है हमारा बीएमआई। इससे पता चल जाता है कोई व्यक्ति मोटा है कि पतला है कि सामान्य है, ये बताने का काम किसके द्वारा होता है? बीएमआई के द्वारा। जबकि जो हमारा बीएमआर होता है, जिसको हम बेसल मेटाबॉलिज्म रेट कहते हैं, बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होता है, ये हमारा बीएमआर बताता है कि हमारे एक सुप्तावस्था में, यानी हमारा शरीर जब रेस्ट की अवस्था में होती है, हमारी कितनी एनर्जी लॉस होती है, कितना हमारा एनर्जी मतलब लॉस होता है विभिन्न प्रकार की अन्य क्रियाओं को करने के लिए, श्वास की क्रिया हुई, शरीर के अंदर की क्रियाएं हुई, इन सबको बताने का काम करता है हमारा बीएमआर। जबकि बीएमआई हमारी बॉडी मास कितना, नहीं हाइट के अनुसार वेट कितना है, ये बताने का काम हमारा करता है बीएमआई। यही दोनों में अंतर होता है। तो अब आप लोग कुछ बताएं इसमें कि क्या आप तक मैसेज पहुंचा जो मैं बताई यहां पर? अभी आपका चैटिंग नहीं दिख रहा मुझे। जी थैंक यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुमन। तो देखिए, बीएमआई मैंने आपको बताया, जबकि जो बीएमआर मैंने बीएमआर क्या होता है अभी जस्ट मैंने चर्चा किया। बीएमआर हमारे सुप्तावस्था में
कितनी एनर्जी बर्न होती है, कितनी एनर्जी हमारी लॉस होती है किसी भी काम को, यानी हमारी सुप्तावस्था में, रेस्ट की अवस्था में जो हमारे शरीर की क्रियाएं होती हैं कितना लॉस होता है, इसका पता करने के लिए BMR का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ इसके आगे चले इसमें जी अनु जी, गुड इवनिंग। चलिए अब यहाँ पे नॉर्मल BMI कितना होता है, अभी आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है, आप लोग आंसर भी करिए साथ में, जिससे मैं आप भी चीजें उसमें बताते चलूं। और हाँ आप बताइए नॉर्मल BMI कितना होता है, नॉर्मल BMI कितना होता है, गुड इवनिंग सुनीता जी, सही है, नहीं सुमन ने गलत आंसर दिया, अनु ने सही आंसर दिया है, 18.5 से लेकर के 22 या 24.9 तक भी होता है। ठीक है, नॉर्मल BMI, नॉर्मल BMI 18.5 से लेकर के 24.5 या 24.9 तक होता है। ठीक है प्रियंका जी, हाँ ये आपका नॉर्मल है, बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो इसे आप हल्के मत लीजिएगा, क्या होता है ये पता करिए, कितना नॉर्मल होता है, कितना मीडियम होता है, कितना हाई होता है, और कितना कम हो तो वो यानी अंडरवेट के अनुसार है, यानी वो दुबला पतला है उसको और जरूरत है, ये सब जी 18 से कम नहीं होना चाहिए, 18 से कम है यानी आप अंडरवेट है, अंडर नरिश्ड है, आपको इसकी केयर करना है। ठीक है, तो 18.5 से लेकर के 24.9 तक आपका BMI होना चाहिए। अब यहाँ पे आता है दूसरा, यहाँ पर मध्यम कितना होता है, नॉर्मल आपने बताया 18.5 से लेकर के 24.9, कहीं कहीं 24.5 भी लिखा हुआ है, ये बातें आप याद रखिएगा। हाँ जब लेस हो तो अंडरवेट है, बिल्कुल मैंने कहा अंडर नरिश्ड है, अंडरवेट है। और कितना पे मीडियम कितना होता है, 25 से अगर अधिक होते हैं तो यानी 25 से लेकर के 29.9 हो, 25 से लेकर के 29.9 हो तो किस कैटेगरी में आता है, 25 से लेकर के 29.9 हो तो किस कैटेगरी में आता है, बताइए मोटू। अच्छा चलिए, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ओवरवेट, क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे ओवरवेट। बस ये देखिए किसी किसी टॉपिक पर बस ऐसे ही आप थॉरली पढ़ते चलेंगे तो आपके टॉपिक तैयार होते जाएंगे। ठीक है, ये आपका डिस्कस हो रहा है जिससे और चीजें आपके समझ में आती जाए कि हमें पढ़ना क्या है। अच्छा ये बताइए जो मैंने बोर्ड पे लिखा वो दिख रहा है कि नहीं, अभी भी आज वैसे भी याद है, ओवरवेट, बिल्कुल सोनी जी, किसमें नॉर्मल है 18 से 24 या कहीं कहीं 24.5 या 24.9 भी दिया होता है। अब ओवरवेट यानी अगर 25 से आपका ऊपर जा रहा है, 25 से 29 के बीच में है तो यहाँ पर उसको ओवरवेट कहेंगे, यानी आपका वेट नॉर्मल से ज्यादा है, आपको अपना ध्यान देने की जरूरत है। नीतू जी गुड इवनिंग, कोई डरने की बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, बस खाली आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस के लिए आप डरिए कि हमें प्रैक्टिस नहीं किए हैं, रिवीजन नहीं किए हैं, इसको आप करिए। ठीक है, 10 लोग लाइव हैं और अभी लाइक किसी का नहीं आया, केवल 1 लोगों का लाइक आया है, प्लीज एक बार लाइक कर बटन दबाएं और फिर शुरू करें। हाँ तो देखिए यहाँ पर ओवरवेट आपका 25 से 29.9 होता है। गुड इवनिंग नगेंद्र जी, हाँ अब देखिए यहाँ पर ओबेसिटी, देखिए ओवरवेट और ओबेसिटी में अंतर है, याद रखना है इसको, ओबेसिटी
ओबेसिटी में क्या आएगा? नहीं, मैं नाइट में क्लास नहीं ले सकती हूँ किसी भी कीमत में, 11:30-12 बजे मैं खुद सोती हूँ, तो कैसे आपको मैं क्लास ले लूंगी नाइट में? कोशिश तो करती हूँ लेकिन हो नहीं पाएगा, मुझे वैसे ही नींद आने लगेगी। देखिए, भूलने की सबकी है, भूलने की बीमारी सबकी होती है, आपकी भी है, हमारी भी है। जैसे आप पढ़ते हैं भूल जाते हैं, वैसे हम भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ये आपका नॉर्मल है। अगर ऐसा नहीं होगा तो माइंड भी ओवरफ्लो होने लगता है। तो कोई चीज को जो आपको याद करना है कि हमें इसको याद करना जरूरी है, तो उस चीज के लिए एक नोट्स तैयार करें और उसको मतलब कि हफ्ते में, फिर उसके बाद 15 दिन में, फिर उसके बाद 1 महीने में उस चीज को आप दोहराते रहेंगे, तो धीरे धीरे जो आपका भूल जाता है वो याद रहेगा। हम भी भूलते हैं, उसमें कौन सी बात है, हम भी भूल जाते हैं, एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं। तो कुछ चीजें जो हमारे रेगुलर यूज में नहीं रहती हैं, कभी कभार पढ़ा हुआ रहता है, अगर वो एग्जाम में आ जाता है तो ऑटोमेटिक भूल जाना स्वाभाविक होता है, क्योंकि उस चीजों को मैंने बार बार नहीं किया है। देखिए, अंडरवेट वही जो 18 से कम हो, जिसका बीएमआई 18.5 से कम पाए जाते हैं, वो किस में आते हैं? वो अंडर वेट में आते हैं, अंडर नरिश में आते हैं। हाँ बिल्कुल, वही होना चाहिए सोनी जी। गुड इवनिंग वंदना। चलिए, तो यहाँ पर ओबेसिटी, तो ओबेसिटी में देखिए यहाँ पर बीएमआई कितना था, 18 से 24 था, यहाँ पे ओवरवेट में 25 से 29 है। और अगर ओबेसिटी पूछे तो ओबेसिटी और ओवरवेट में अंतर याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, लेट में आए तो ये 30 से 34.9 के बीच में आता है। देखिए 30 से 34.9 आता है, ये ओबेसिटी में है। बीएमआई, हाँ बिल्कुल ओबेसिटी जी। अब देखिए यहाँ पे अभी मैंने जस्ट चर्चा किया, बीएमआई हमारे हाइट और वेट को कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं सही है, ओवरवेट है कि अंडरवेट है, कि ओबेसिटी में है, किस कैटेगरी में है आप, ये बताने का काम हमारा बीएमआई करता है। जबकि हमारा जो बीएमआर होता है, ये हमारे बॉडी में रेस्ट की अवस्था में, विश्राम की अवस्था में हमारी बॉडी को कितना एनर्जी की जरूरत पड़ती है, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी जो शरीर में होती रहती है उनको करने के लिए, वो हमारा बीएमआर होता है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होता है। जबकि बीएमआई, ये हमारे बॉडी हाइट और वेट के कॉम्बिनेशन को बताने का काम करता है कि हमारा हाइट के अनुसार वेट है कि नहीं है, हाइट के अनुसार वेट है कि नहीं, ये वेट के अनुसार, हाइट के अनुसार वेट है कि नहीं है, ये बताने का काम हमारा बीएमआई करता है, ठीक है? चलिए, तो ओबेसिटी में है, हाँ, अब ये क्लास फर्स्ट की कैटेगरी में आता है, बिल्कुल सही है, 30 से 34.9 के बीच में। अब इसका क्लास, अब यहीं से आपकी कैटेगरी बदलती जाएगी, यानी अब यहीं से आपको बहुत ही ज्यादा केयर करने की जरूरत है। यहाँ से तो आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप नॉर्मल में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से आप यदि इस कैटेगरी में हैं तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है? ये ओबेसिटी में है। और दूसरा आता है ये, यानी कैटेगरी फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट है, आप इसी ओबेसिटी में, किसमें? इसी ओबेसिटी की जो कैटेगरी है ये 35 से 39 के बीच में, कितना है? 35 से 39.9 है। क्या है? 35 से 39.9 है, ए भी ओबेसिटी। क्या ओबेसिटी की कैटेगरी बता रहे हैं? पहली कैटेगरी क्या थी? 30 से 34.9, दूसरा है 35 से 39.9, और तीसरा है आपका जब 40 से अधिक हो जाए, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम ओबेसिटी। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम ओबेसिटी, एक्सट्रीम ओबेसिटी, ठीक है? तो ये आपको कैटेगरी है, ये कभी कभी मिलान करने के लिए नेट में दे देते हैं, कभी आपको इसमें से पूछ लेंगे नॉर्मल कितना होता है, ओबेसिटी कितना होता है, ओवरवेट कितना होता है, या आपसे पूछ लेंगे
अंडरवेट कैटेगरी कितनी होती, अंडरवेट में क्या है, कितना बीएमआई होता है, तो ये सब आपको याद रखना है। और ये चिन्ह जरूर याद रखना, अगर ये चिन्ह इधर हो यानी ये 40 से, यानी जो चीज जो गिनती गई उससे अधिक हो, ठीक है। तो ये चीजें आपकी हो गई। तो ये तीन चार, एक नॉर्मल, ओवरवेट, ओबेसिटी और ओबेसिटी की आपकी तीन कैटेगरी, 30 से 34, 35 से 39, 40 से अधिक। तो जो 40 से अधिक है वो एक्सट्रीम ओबेसिटी के अंतर्गत आते हैं। तो क्लियर हो गया है। अब बताइए बीएमआई किसका किसका नहीं लेते हैं। गर्ल है, आप नेट का फॉर्म डाल सकती है प्रियंका नगेंद्र। जी तो देखिए यहां पर है कि किसकी किसकी बीएमआई नहीं लेते हैं। आंसर करिए किसका होगा, किसका बीएमआई नहीं लेते हैं, आंसर करिए क्या होगा। आशा जी गुड इवनिंग। बताइए बीएमआई नहीं लेते हैं किसका किसका नहीं लिया जाता है। हाँ और देखिए बॉडी बिल्डर का नहीं लेते हैं, ठीक है, किसका नहीं लेते हैं, बॉडी बिल्डर का नहीं लेते हैं, प्रेग्नेंट लेडी का नहीं लेते हैं, याद रख लीजिएगा, यंग एल्डर का नहीं लेते हैं, ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनका बीएमआई नहीं लिया जाता। बॉडी बिल्डर का नहीं लेते हैं, ठीक है, बॉडी बिल्डर, प्रेग्नेंट, यंग जो बच्चे होते हैं उनका नहीं लेते हैं, भी ग्रोथ पोजीशन रहती है, और ओल्ड एज के लोगों का बीएमआई नहीं लिया जाता है। ये एग्जाम के लिए आप याद कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछना होता है तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें हम आते हैं, छोटे बच्चे का भी बीएमआई नहीं लेते हैं। यानी 2 वर्ष से बच्चा यदि कम है तो उसका बीएमआई नहीं लिया जाता है। ठीक है चले आगे। हाँ अब इसका फार्मूला है बीएमआई निकालते कैसे। देखिए ये 2 वर्ष से नहीं लेते, जब ग्रोथ जैसे 5 साल तक ग्रोथ जो होता है उस अवस्था तक नहीं, उसके बाद से जो है लिया जा सकता है, ठीक है। इसमें जो मैंने लिखा है उसमें यही लिखा है कि यदि बच्चा 2 वर्ष से कम हो तो बीएमआई नहीं निकलता है उसका। चलिए अब यहाँ पे इसका निकालने के लिए क्या है, इसका फॉर्मूला आप लोग बताएंगे कि बीएमआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। हाइट अपॉन वेट इनटू 100, नहीं कुछ चीजें इसमें और भी है। अच्छा ठीक है, मैं तो रफली बनाती हूँ, ये रफली आपको शेयर कर देंगे। चलिए हाँ तो देखिए यहाँ पर वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है, हाइट जो लेते हैं वो मीटर स्क्वायर में लेते हैं। अब वेट मान लीजिए किसी का वेट कितना है, 60 kg है, किसी का वेट 60 किलोग्राम है, और किसी जो हाइट है वो 1.52 सेंटीमीटर है, यानी 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है, तो इसका वेट कैसे निकालेंगे। हाँ
हाँ, तो इसके लिए क्या करते हैं, अब ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो पहले इसको जो है इनटू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इसको यानी मीटर का दो बार गुणा करना है, यानी ये जो गिनती है इसको आप दो बार गुणा करेंगे और इसके बाद इससे इस पे भाग दे देंगे, जो आता है वही क्या हो जाएगा, यही आपका बीएमआई निकल जाएगा। यानी ये जो ये गिनती रहेगी इसको आप दो बार गुणा करेंगे और दो बार गुणा करने के बाद जो आएगा, अब यहाँ पे आप मिलान करेंगे किस कैटेगरी में आप आते हैं, इसमें आएंगे तो नॉर्मल है, इस कैटेगरी में आएंगे तो ओवरवेट है, इस कैटेगरी यानी इससे 30 से 34 के बीच में आता है तो ओबेसिटी में, इसके बीच में आते हैं ये आप जो है, हाँ तो वही है, इसको जितना भी गिनती यहाँ पे लिखी रहती है इसको इसमें इनटू कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आता है, ये चीजें हो गई, अब नेक्स्ट हम आते हैं, अब हमारा इसमें बीएमआर जो होता है, बीएमआर तो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं, बीएमआर, यहाँ पे हम नेक्स्ट आते हैं बीएमआर पे, वैसे बीएमआर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, वैसे मैंने 6 बजे से, क्या गलती लग रही है, आज क्लियर नहीं दिख रहा है, इसीलिए तो मैं बोर्ड पे नहीं लिखती हूं, नहीं सुबह, चलिए यहां पर ये बीएमआर वाला हम कल डिस्कस करेंगे इसको, तो ये क्वेश्चन यहां से ज्यादातर यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें आपका कुछ जीके क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, असल में नेटवर्क जब नहीं रहता है तो दिक्कत आती है जी, नेटवर्क, अब मैं ओरल पूछूंगी कोई दिक्कत नहीं, अब मैं ओरल आपसे पूछूंगी, चलिए योजना आयोग का क्या नाम रखा गया है, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वैसे भी डिस्कस कर लेते हैं, कई बार मैंने पूछा भी हुआ है, योजना आयोग का नाम क्या रखा गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, योजना आयोग का क्या नाम रखा गया है, नीति आयोग, बिल्कुल, कब लागू हुआ, 2015 में। अब यहाँ पे बताइए, ये जब योजना लागू की गई थी यानी योजना आयोग जब आया था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था या कौन था, जब योजना आयोग आया था तो, जी 2015 है, बिल्कुल सही आंसर है। अभी आपका जो नीति है, नीति का फुल फॉर्म क्या है, नीति का फुल फॉर्म क्या है, अप्रैल नहीं है, 1 जनवरी 2015 है, हाँ नेहरू जी बिल्कुल, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधान मंत्री होता है,
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जी अब यहां पर देखिए, जो ये यह जो योजना आयोग है इसका जो नाम बदल करके नीति रखा गया है, इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आता है कि भारत सरकार का ये कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक निकाय है, बताइए क्या इसका आंसर होगा? क्या इसका आंसर होगा? देखिए ये जो नीति आयोग है ये गैर संवैधानिक निकाय है। हाँ बिल्कुल सही आंसर है कि गैर संवैधानिक निकाय है, कि ये केवल जो नीति आयोग है ये केवल सोचने का काम, इसलिए इसको नाम दिया गया है थिंक टैंक, यानी केवल अभी योजना ना ये वित्त का काम नहीं देखेगा बल्कि केवल केवल ये सोचेगा और सोच को सरकार तक पहुंचाएगा और उसी संबंधित बिल पास करने का काम, वित्त यानी धन पास करने का काम उस योजना से संबंधित वो करेगा, वित्त मंत्री के द्वारा होगा। पहले क्या होता था, ये योजना आयोग में धन का भी काम देखते थे, वित्त का भी काम, कितना पैसा पास करना है वो भी काम होता था। अब ये काम जो है यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। तो ये इनका काम केवल हो गया है थिंक टैंक, ठीक है। हाँ तो ये है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। अब ये केवल सोचने का काम करता है, पैसे का काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई इसमें। अब इसमें जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष इस समय कौन है? योजना आयोग के उपाध्यक्ष इस समय कौन है? योजना आयोग के उपाध्यक्ष इस समय कौन है? जल्दी आंसर करिए। देखिए यहां पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और इसके सीईओ अमिताभ कांत है। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं वो अमिताभ कांत है और उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। चेंज हो गए यहाँ, तो अमिताभ कांत की जगह पर कौन है? सुमन बैरी, सही बताइए भाई, हमने तो यही लिखा अभी तक। अगर आपको पता हो तो प्लीज शेयर करें, बताएं। तो प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष राजू कुमार, सीईओ अमिताभ कांत है। शायद अमिताभ कांत नाम जरा एक बार फिर से शेयर करिए, कुछ लोग बता रहे हैं इसमें, एक बार हमें फिर से बताइए। सीईओ अच्छा सुमन बैरी जी है सीओ, ठीक है भाई हम देख लेंगे, थैंक यू बताने के लिए, और अगर बताया तो सॉरी इसके लिए, लेकिन मैंने वही लिखा था, देखा नहीं था मैंने। नहीं जीएस टीजीटी में नहीं आता है, एलटी में आता है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन जो आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम से पुट अप हो जाते हैं, क्योंकि आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है तो नॉर्मल क्वेश्चन आपके ऐसी योजना से संबंधित आते हैं, तो ये में भी आ सकते हैं आप, और जो टीजीटी डालेगा वो तो जाहिर सी बात एलटी भी डालेगा। ठीक है हम इसको देख के बताएंगे, अभी मुझे क्लियर नहीं, आप बता रहे हैं तो थैंक यू। चलिए नीति आयोग जो होता है ये बॉटम टू टॉप चलता है,
जबकि जो हमारा योजना आयोग था वो टॉप टू बॉटम था, यानी ऊपर से योजनाएं आती थी और नीचे तक पहुंचाई जाती थी, नीचे के जो समस्याएं होती थी वो ऊपर तक नहीं आ पाती थी। अब जो हमारा नीति आयोग है, ये नीति आयोग ये नीचे की समस्याएं यानी प्रधानमंत्री मतलब कि राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा समस्याएं ऊपर तक पहुंचाई जाती है, यानी केंद्र तक पहुंचाई जाती है और समस्याओं पे काम हो करके फिर उससे संबंधित उसका सॉल्व करके वो पूरे देश में राज्यों में चलाया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा नीति आयोग है ये बॉटम टू टॉप चलता है, जबकि योजना आयोग जो था वो टॉप टू बॉटम था। पहले मुख्यमंत्री को शामिल नहीं किया जाता था, केवल और केवल केंद्र सरकार ही पास करती थी, केंद्र सरकार सारे काम को करती है। अब जो नीति आयोग आया है इसमें राज्यों को भी सलाह लिया जाएगा, राज्यों के मुख्यमंत्री को भी इसमें शामिल किया जाएगा काम के लिए, यानी उसे सजेशन लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए। ठीक है, तो ये आप जो नीति आयोग आया है वो बेस्ट है कंपैरिजन योजना आयोग की। ठीक है नीता जी, चलिए अब आज के लिए इतना ही, और आपका इसके में डिस्कस हुआ और फिर नेक्स्ट हम टॉपिक लेकर के आएंगे, तो आप सभी का मोस्ट धन्यवाद, बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए, और ऐसे ही आप जुड़े और अपनी तैयारी करें। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, कुछ लोग कहते हैं हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे साथ बहुत ही समस्या आ रही है, हम ससुराल में हैं, हम मायके में हैं, हम हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं। देखिए ये सबके साथ है, ये आपके साथ नहीं है, बस ये सबके साथ है। कोई इसको फेस करके ऊपर उठ जाता है, कोई उसी में ही लगा रहता है कि मेरे बस की बात नहीं है। तो आपको ये देखना है कि आप फेस करके ऊपर उठ जाते हैं कि नहीं तो बस क्या करना है, पैसे तो आ ही रहे, नो टेंशन, नहीं हो पा रहा नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जिसको अपना जज्बा है, कुछ कर पाने की इच्छा है, तो जरूर जरूर उन समस्याओं को फेस करके ऊपर जरूर आएगा। ठीक है, तो सोचना आपको है, मैंने इसीलिए एक वीडियो बनाया था शॉर्ट वीडियो कि तैयारी वास्तव में किसे करनी चाहिए, तो जरूर जिसने नहीं देखा होगा जरूर देखिएगा, वहां से आपको जो है हेल्प मिलेगी। डेली नहीं ले पाएंगे भाई, अब हफ्ते में 2-3 दिन ही ले पाएंगे, क्योंकि अब आपका जो वीडियो ऐसे डालना होता है इसी टाइम में मुझे वो भी डालना होता है, तो या तो मैं आपकी ऑनलाइन क्लास ले पाऊँ या तो आपका जो है मैं आपको वो वीडियो डाल पाऊँ। 2-3 दिन कोशिश करूंगी आपको डालने के लिए, जैसे कल मेरी क्लास नहीं हो पाई, कल स्कूल में व्यस्तता होने की वजह से नहीं कर पाई जी। तो ठीक, थैंक यू आपको, और जिसने भी लाइक नहीं किया है जाते जाते लाइक जरूर करिए और उसको शेयर करिए और लोगों को जोड़िए, और जिसने पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं चैनल पर जरूर जाएं, विजिट करें, घर बैठे हैं, कोचिंग नहीं है, बुक नहीं है, जो भी जो आपके पास किताबें अवेलेबल है वही एनफ है, बहुत ज़्यादा किताबों के पीछे मत भागिए, मैं आपको बार बार बताती हूँ, 6-12 की बुक आपके पास हो, डॉक्टर विंदा मैम की बुक आपके पास हो तो इतना ही आपके लिए एनफ है, इससे ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसी को आप ज़्यादा पढ़िए, डीप पढ़िए, इसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद।